अब सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटी अपने ही मांग को लेकर ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जो संसद मार्ग पर धरना कर रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद जिस ब्रांच में उसको भेज रहा है वो घर के पास तो हो, और वो सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, सब बेटों के लिए भी है। वो भी अपनी फैमिली अपने बच्चों को छोड़ के इतनी दूर आते हैं, उनकी वाइफ को सेक्रीफाइस करना होता है, या तो अपनी जॉब छोड़ के, या वाइफ अलग रहती है, हस्बैंड अलग रहते हैं और बच्चे अलग रहते हैं। जैसे हम लोगों के केस में ही है, मेरा हस्बैंड अलग है, मैं अलग हूँ और मेरे बच्चे अलग है। तो हम लोगों को होम टाउन ट्रांसफर होनी चाहिए, हमारी ब्रांच में, हर ब्रांच में नहीं तो एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ब्रांचेस के पास में क्रच होनी चाहिए लेडीज के लिए। और हम लोगों को छुट्टी नहीं दे दी जाती है, घर से बुला लिया जाता है, चाहे हमारा बच्चा बीमार हो या कुछ भी हो। और हमें CPC चाहिए, मेरे हमारे आने का टाइम है लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है, चाहे 7 बजे जाओ 8 बजे जाओ कोई टाइम नहीं है। पढ़ लिख के हम आधार कार्ड बना रहे हैं यहाँ पे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी से मजदूरी कराओ, बाद में बेटी पढ़ाओ बचाओ उसके बाद आधार कार्ड बनवाओ। यहाँ पे हम आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं, 7-7 बजे तक बैठे हुए हैं, कोई जाने का टाइमिंग नहीं है, कोई आने का टाइम नहीं। आना आपको 10 बजे ही है, जाने का कोई टाइम नहीं है। रात अंधेरा की नौकरी है लेकिन यहाँ पे काम करके ही जाना होता है। और के यहाँ पे आप पेंडिंग छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे कोई पेंडिंग सी नहीं छोड़नी। उसके बाद भी शिकायतें करने का कौन सुनने वाला है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ऊपर वाले कोई नहीं सुन रहे। इसकी धमकी उसकी धमकी यहाँ भेज देंगे, वहाँ इतनी दूर भेज देंगे, कोई पर्टिकुलर जरा जरा सी बात पे चार्जशीट दी जाती है। जरा जरा सी बात पे कुछ भी अगर अपन आवाज उठाएं तो हर चीज पे चार्जशीट दी जाती है। और अगर अपन अपनी यूनियन के पास जाएं, यूनियन बोलती है कि हम आपका पीछे से सपोर्ट करेंगे। कहाँ से पैसे तो आप आगे से ले लेते हैं, सपोर्ट कैसे करेंगे, पीछे से कैसे काम चलेगा। बैंकर की 3 मुख्य मांगे इस वक्त, CPC, 5-day बैंकिंग और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचना बंद करो। बिल्कुल भी बैंक में फालतू काम नहीं होने चाहिए। मैं राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से आया हूँ, मेरा इसी काम के लिए स्पेशल आया हूँ, लेकिन बैंकों की मांग माननी चाहिए। हमारे बहुत कम सैलरी है और काम सबसे ज्यादा इस वक्त बैंकों में।